हिंदू धर्म के अनुसार जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ बन गए और अत्यंत पावन तीर्थ कहलाए। ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित हैं। क्या है शक्ति पीठ की कहानी? पुराणों के अनुसार सती के शव के विभिन्न अंगों से 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में बृहस्पति सर्व नामक एक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन दक्ष ने अपने दामाद यानी भगवान शंकर को नहीं बुलाया और इस अपमान से पीड़ित हुई सती ने यज्ञ अग्नि कुंड में कूद कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद क्रोधित होकर भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए ब्रह्मांड में घूमने लगे। और तब संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए श्री भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर के कई खंड कर दिए जो 51 जगह पर गिरे और शक्तिपीठ कहलाए। चूड़ामणि ग्रंथ में 51 शक्तिपीठों का मिलता है वर्णन। 5 प्रमुख शक्तिपीठ हैं: नैना देवी, शाकुंभरी देवी, सुरकंडा देवी, हिंगलाज भवानी और ज्वालामुखी। नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है और ऐसा कहा जाता है कि सती का एक नयन यहाँ गिरा था। ये समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नैना देवी मंदिर में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वर्ष में आने वाले दोनों ही नवरात्रि चैत्र मास और अश्विनी मास के नवरात्रों में यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। सुरकंडा देवी। सुरकंडा देवी मंदिर उत्तराखंड के टिहरी जिले में धनोल्टी हिल स्टेशन के पास एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सती का सिर धड़ से अलग होकर गिरा था। थाउनियाल गांव में धनोल्टी से थोड़ी ही दूरी पर स्थित ये मंदिर सुरकंडा देवी को समर्पित है। शाकुंभरी देवी। मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकट एक बहुत प्राचीन शक्तिपीठ क्षेत्र में माता का शीश गिरा था और इसमें हिंदू देवताओं के 2 महत्वपूर्ण मंदिर है, एक देवी शाकुंभरी और दूसरा भूरा भैरव मंदिर जिसे माता का प्रहरी माना जाता है। हिंगलाज मंदिर। हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक घाटी में स्थित है और यहाँ माँ का ब्रह्मरंध्र यानी सर का ऊपरी भाग गिरा था। मंदिर एक छोटी प्राकृतिक गुफा में बना हुआ है जहाँ एक मिट्टी की वेदी बनी हुई है। देवी की कोई मानव निर्मित छवि नहीं है बल्कि एक छोटे आकार की शिला है और इस शिला की हिंगलाज माता के प्रतिरूप में पूजा की जाती है। ज्वालामुखी शक्तिपीठ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित ज्वालामुखी शक्तिपीठ जहां सती की जीवा गिरी थी और ये शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ज्वालामुखी शक्तिपीठ विश्व में पहला ऐसा मंदिर है जहां प्रतिमा की पूजा नहीं होती। इस मंदिर में 7 ज्योतियां अनादिकाल से विराजमान है। इस मंदिर में श्रद्धालु इन ज्योतियों की ही पूजा करते हैं और यही नहीं, मंदिर के बारे में एक और अनोखी बात ये भी है कि यहाँ रोजाना 5 बार आरती होती है। चट्टान में जल रही ज्योति अपने आप ही जलती है। तो आशा करते हैं कि आपको इन शक्तिपीठों के बारे में जानकर एक मनोरम अनुभूति प्राप्त हुई होगी।